For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum, I'm Zoha Suhail. I'm a lecturer at Rashid Lazim Medical College and a clinical nutritionist at Arif Memorial Hospital. Ramzan ka mahina shuru ho chuka hai aur is mahine mein Allah Taala ki bahut sari rehmatein aur barkatein hamare upar nazil hoti hain aur as a nation hum sab dua go hain ki bahut jald is pandemic se jo hamare mulk mein aa chuka hai isse bach sake. Aaj hum baat karenge ki Ramzan ke mahine mein sehri ke waqt aur iftari ke waqt apni ghiza ka istemal kis tarah se kare taaki mentally physically dono tareekon se hum fit aur healthy reh sake. सेहर के बारे में जब बात करते हैं कि इस वक्त हम किस किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल करें तो हमेशा उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपकी बॉडी में बहुत आराम से हजम हो, जो बहुत देर से हजम हो, क्योंकि जो चीज़ जितनी जल्दी हजम हो जाएगी वो उतनी जल्दी एनर्जी देकर दोबारा से भूख की शिद्दत को बढ़ाएगी और वीकनेस और फटीक जैसे सिम्टम जो है वो नज़र आएंगे. तो इस वक्त कोशिश ये करें कि उस आटे की रोटी कंज्यूम करें जिसमें चोकर डला हुआ हो, जिसमें फाइबर उसका वीट ब्रान एडिड हो, क्योंकि जितना ज़्यादा उसमें फाइबर होगा वो उतना आराम से हजम होगा और बहुत लॉन्गर इनमें पूरा दिन हमें एनर्जी देता रहेगा. इसके अलावा गोश्त के बारे में जब बात करते हैं तो गोश्त में कोशिश करें कि एक अंडा या एक कबाब या गोश्त का एक पीस 3 ounce का जो आपके हथेली के साथ जितना होता है उसका इस्तेमाल करें. बहुत से लोग इस वक्त गोश्त से बनी हुई अशा को कंज्यूम नहीं कर रहे होते तो वो बेशक दो दालें मिक्स करके हाफ कप दाल अगर सहरी के वक्त कंज्यूम कर सकते हैं तो वो उनके लिए भी बेहतर एक ऑप्शन हो सकती है. इसके अलावा दही का इस्तेमाल सहरी के वक्त यकीनी बनाएं क्योंकि दही इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स जाते हैं जिनकी वजह से प्यास की जो शिद्दत है जो थर्स्ट है वो हमारी ख़त्म हो जाती है. जब हम अफ्तारी के बारे में बात करते हैं कि अफ्तारी में हमारी डाइट कैसे होनी चाहिए तो उसमें सबसे पहले एक खजूर से या दो खजूरों से रोज़ा अफ्तार करें जैसे कि सुन्नत नबवी भी है. और इसके साथ साथ अफ्तारी के वक्त हमें हमेशा उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारी ब्रेन को फ़ौरन से एनर्जी प्रोवाइड कर दें. तो खजूर का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बेहतरीन है. इसके अलावा बहुत से लोग समोसे पकौड़े तली हुई अशा कंज्यूम करते हैं. इन चीज़ों के इस्तेमाल से परहेज़ करें क्योंकि जितनी तली हुई चीज़ें आप कंज्यूम करेंगे अफ्तारी में उतनी ज़्यादा वो तेजाबियत को एसिडिटी को बढ़ाएगा और जितनी ज़्यादा एसिडिटी होगी फिर आप फर्दर खाना नहीं खाते कि सीने में जलन हो रही जिस वजह से और खाना नहीं कंज्यूम किया जाता और हेल्थ ख़राब होती जाती है. तो इस वक्त कोशिश करें कि फ़ौरन अफ्तारी 2-3 खजूरों के साथ करें और उसके बाद अगर शुगर का मसला नहीं है तो आप किसी भी ताज़ा फल का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं. उसमें कोशिश ये करें कि नेचुरल शुगर ऐड करें जैसे कि शहद ऐड कर लें या शक्कर ऐड कर लें, सफ़ेद चीनी से परहेज़ करें और साथ ही साथ एक बाउल लें जिसके अंदर आप चने ऐड कर लें, सब्जियाँ ऐड करें और फल ऐड करें. वो कंज्यूम करने के बाद नमाज अदा करें और उसके बाद अपना जो रात का खाना है उसकी तरफ जाएँ जिसमें आप रोटी भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, गोश्त और सब्ज़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. और कोशिश करें कि रात होने से पहले एक ग्लास दूध का जरूर लें और उसके अंदर शहद जरूर ऐड करें क्योंकि वो हमारे कुव्वत मुदाफियत को भी बढ़ाएगा और रात सोते वक्त बहुत से लोगों की शुगर लेवल कम हो जाता है तो वो उससे भी आपको बचा कर रखेगा.